हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला। बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत ही पसंद आता है। इसकी क्रीमी जो ग्रेवी होती है बहुत ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते, 2 इलायची, 5-6 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे, इससे सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। मसाले भुन चुके हैं, अब डालेंगे 2 कटे प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस प्याज का कच्चापन हट जाए। अब 3 हरी मिर्च, इसे भी 2-2 टुकड़ों में काट लिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर, सभी चीज़ों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब डालेंगे 7-8 काजू, 1 कप पानी डालकर पका लेंगे। अब डाल देंगे लहसुन, क्योंकि मैं लहसुन डालना भूल गई थी। अब थोड़ी देर ढक के पका लेंगे, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसे ठंडा कर लेते हैं। मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब जार में डाल के पीस लेंगे। तो देखिए पेस्ट बनके तैयार है, अब सब्जी बनाएंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल, साथ में 3 चम्मच बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब डालेंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, डालकर तुरंत पेस्ट डाल देंगे, जिससे कश्मीरी लाल मिर्च जले नहीं। और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ग्रेवी पक चुकी है, अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक पहले से था, इसको लगातार चलाते रहेंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब डालेंगे 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई। मलाई डालने से सब्जी में क्रीमी टेस्ट आएगा। अब डालेंगे 1 चम्मच चीनी और ग्रेवी को थोड़ी देर और पका लेंगे। ग्रेवी पक चुकी है, ये 600 ग्राम पनीर है, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, इसे डाल देंगे और थोड़ी देर सब्जी को और पका लेंगे। सब्जी पक चुकी है, गैस बंद कर देंगे। अब डालेंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी,
इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इसे डालने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। बटर पनीर मसाला बनके तैयार है, इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।